कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी कुछ इस तरह से मनाई गई। रात में 12 बजे हमने कृष्ण जी का बाल गोपाल का जन्म कराया, तो उनको हम पहले उनका वस्त्र बदलते हैं, उनको स्नान करा के पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल से उनका स्नान आदि करके उनका वस्त्र बदल कर बाल गोपाल का जन्म हम खीरे में कराते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, वो लता वाली जो खीरा होता है वो हम लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे जन्म के वक्त एक माँ से जुड़ा रहता है बच्चे का शरीर उसके गर्भनाल के द्वारा और वो गर्भाशय में होता है, ठीक उसी तरह से खीरे को भी हम बीच से काटते हैं और उसमें हम बाल गोपाल को उनके जन्म से कुछ देर पहले रख के और ऊपर से हम उसको खीरे से ढक देते हैं और 12 बजे के बाद उसको हटाकर हम बाल गोपाल का जन्म कराते हैं। यहाँ उनका जन्म होने के बाद फिर से उनको एक बार हम दूध से, दही से, जल से, पंचामृत से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करके उनको वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर उन्हें उनके पालने में या झूले में रख देते हैं। फिर अच्छे से बाल कृष्ण जी की आरती करते हैं और उनको भोग आदि समर्पित करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने कृष्ण जी की झांकी सजाई थी जिसमें श्री कृष्ण के हर रूप को मैंने दिखाने की कोशिश की है, उनके जन्म से लेकर उनके बाल रूप और फिर राधा कृष्ण जी को भी। तो कुछ इस तरह से मनाई हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।